हेलो एवरीवन, आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है रसमलाई। ये मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी और फ्रेश बनकर तैयार होगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 लीटर दूध। ये फुल क्रीम दूध है। इसे मैंने अच्छी तरीके से एक बार बॉयल कर लिया है और अब मैंने इस गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है और इसे हम लगातार चलाते हुए थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे। इसी समय मैंने इसमें डाल दिया है ये कुछ केसर। अगर आप ओरिजिनल केसर का यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट में इसमें कलर भी ऐड कर देते हैं, लेकिन आप देखेंगे ये ओरिजिनल केसर से ही दूध कितने अच्छे तरीके से येलो हो जाएगा। और अब मैंने इसमें डाले यहाँ पे कूटी हुई इलायची। ये देखिए, इस तरह से इसे लगातार चलाते हुए हम थोड़ा गाढ़ा होने देंगे। देखिए, कलर अच्छे से छोड़ दिया केसर ने। और अब मैंने यहाँ पर ऐड की है 1 बड़े चम्मच चीनी। इसमें ज़्यादा चीनी नहीं डालनी, बस 1 बड़ा चम्मच, 1/2 लीटर में बहुत है। बस इतनी ही चीनी डालकर इसे गाढ़ा होने के लिए रख दें। और फिर अब मैं तब तक यहाँ पे चाशनी के लिए पानी और चीनी का घोल मिलाकर गैस पे चढ़ा दूँगी, जिसके लिए मैंने लिए हैं यहाँ पे 2 ग्लास पानी और ये बड़ी कटोरी से 1/2 कटोरी चीनी। इन दोनों को मैंने मिलाकर गैस पे बॉयल होने के लिए रख दिया है। और तब तक हम यहाँ अपने रसगुल्लों के लिए पनीर को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। ये देखिए, अगर आप छेना बनाते हैं तो उसे पानी को अच्छे तरीके से निचोड़ लें। देखिए, यहाँ पे मैंने भी मिलाया है ये अरारोट 1 चम्मच से थोड़ा सा कम। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो अरारोट ना मिलाएं, ये ऐसे ही बना सकते हैं इस तरह से। हाथों से अच्छे से रगड़ते हुए इसे बिल्कुल ही सॉफ्ट कर लेना है। देखिए, पनीर को भी अच्छे से थोड़ी देर कपड़े में निचोड़ के तब ये रसगुल्ले बनाने हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक रसगुल्ला डालकर चेक कर लिया था और ये तब तक यहाँ पे दूध भी अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हम बाकी अपने रसगुल्लों को यहाँ पे बनाते हैं। तब तक ये देखिए, इस तरह से सारे रसगुल्लों को मैं बना लूँगी। ये पानी में डालने के बाद डबल साइज़ के हो जाएंगे, तो मैंने इसका साइज़ यही रखा हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी साइज़ बनाकर डाल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे चाशनी अच्छे तरीके से उबल रही थी तभी मैंने इसमें रसगुल्ले ऐड किए हैं। आपको इतनी ही उबलती हुई चाशनी में इसे डालना है और यहाँ पर कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इसे ढक दें। और दूध भी तब तक गाढ़ा हो गया था और मैंने इसे ठंडा होने के लिए एक बाउल में निकाल कर रख दिया है। जब तक हमारा दूध ठंडा होता है तब तक ये रसगुल्ले जो है अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएंगे। देखिए, इस तरह से बीच में चेक करते हुए 2 से 3 बार इसे अच्छे से 5 से 7 मिनट के बाद आप हल्के हल्के हाथों से रसगुल्लों को पलट दें और फिर ढककर 10 से 15 मिनट तक इसे अच्छे से बॉयल होने दें और बीच बीच में इसे चलाते रहें। आप देखेंगे, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये सारे रसगुल्ले फूल गए हैं और चाशनी भी आधी हो गई है और ये बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार है। देखिए, मैंने इसे गैस से उतार लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है बिल्कुल ही ठंडा आइस का पानी। ये देखिए, ये बिल्कुल कूल वाटर है। आप इतने ठंडे पानी में रसगुल्लों को डालें और ये रसगुल्ले गर्म गर्म ही उठाकर निचोड़ना है इस चम्मच की सहायता से और फिर इसमें ठंडे पानी में डाल देना है और थोड़ी सी यहाँ पे चाशनी भी इसमें डाल देनी है। इस तरह से 5 से 7 मिनट के अंदर ही सारे रसगुल्ले ठंडे हो जाएंगे और फिर आप तुरंत ही इन्हें निचोड़ कर रसमलाई में डाल दें। इसे बस 5 से 7 मिनट के लिए ही पानी में रखना है, ज़्यादा देर के लिए इन्हें पानी में ना रखें, नहीं तो ये फीके हो जाएंगे रसगुल्ले। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, इतने अच्छे तरीके से इनके अंदर पानी भी चला गया है। और ये देखिए, अच्छे तरीके से निचोड़ कर हमने इसे दूध में डाल दिया और ऊपर से डाली है थोड़ी केसर और ये पिस्ता। अब मैं इसे
अच्छे तरीके से बेलने के लिए इसमें दूध रसमलाई को कम से कम 5-6 घंटे रखने होते हैं। देखिए, और फिर आधे एक घंटे के लिए फ्रिज में रख कर फिर सर्व करें। देखिए, यहाँ पे मैंने बस एक घंटे के लिए रखा हुआ है फ्रिज में, आपको मैं इस तरह से दिखा रही हूँ। आप जितने देर ज़्यादा देर तक इसे रखेंगे ये इतना ही ज़्यादा टेस्टी होगा और ये इतना ज़्यादा गाढ़ा होता जाएगा। देखिए, मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ कि ये सिर्फ एक घंटे में ही कितने अच्छे तरीके से इसके अंदर, ये देखिए कितने अच्छे से ये बनकर तैयार है।